Hey guys, welcome back to your channel Journey to Success. तो आज की वीडियो में हम मीन डेविएशन कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो जो मीन डेविएशन है, आपको पता है यहाँ पे कोफिशिएंट वर्ड ऐड नहीं किया फिलहाल हमने. सो जो मीन डेविएशन है वो कैसा मेजर है, आपको मैंने बताया था डिस्पर्जन के दो तरह के मेजर होते हैं. एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर. सो मीन डेविएशन अगर हम सिंपली बात करें, दैट इज एन एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है? सो जो मीन डेविएशन है वो हमें सीरीज में बताता है कि अरिथमेटिक एवरेजेस से कितना का डेविएशन है. सो मीन डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशंस ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो आपको पता है कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं वो मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है एंड मोड भी हो सकता है, राइट? सो मीन डेविएशन हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन, मोड से वेरिएशन बताता है, मतलब कितना डेविएशन है मीन से वो बताता है. तो मीन डेविएशन को फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहा जाता है एंड एवरेज डेविएशन भी कहा जाता है. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इनकेस एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करता है, सो आपको फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन भी पूछ सकता है या एवरेज डेविएशन भी बोल सकता है. सो मीन डेविएशन, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन एंड एवरेज डेविएशन आर वन एंड द सेम थिंग. क्लियर हुआ? अब अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो अगर आपको मीन डेविएशन टर्म सुनने को मिलती है तो आपके माइंड में फर्स्ट चीज क्या आती है कि मीन डेविएशन मतलब हम मीन से डेविएशन देख रहे हैं. बट यहीं पे आप गलत हो जाते हो. जो मीन डेविएशन है उसमें हम डेविएशन मीन और मीडियन दोनों से देख सकते हैं. मोड को हम इसलिए यूजुअली कंसिडर नहीं करते बिकॉज मोड की जो वैल्यू होती है वो अनसर्टेन होती है, जिसकी वजह से कई बार जो रिजल्ट होते हैं वो इनएक्यूरेट आ जाते हैं. सो जो मीन डेविएशन है दैट कैन बी ईदर फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन. सो मीन डेविएशन दोनों से हम कैलकुलेट करते हैं, मीन से भी मीडियन से भी. सो हमारे पास दोनों चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. क्लियर हुआ? अब सिंस द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज लेस देन द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, सो द फॉर्मर इज कंसिडर्ड बेटर देन द लेटर. तो जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आती है यूजुअली वो लेस होती है देन मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन. सो इसलिए द फॉर्मर इज कंसीडर्ड बेटर देन द लेटर. सो जो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन है वो लेस होती है, इस वजह से हम उसको बेटर मानते हैं. और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है हम उसको हमेशा इग्नोर करते हैं. सो ऑल डेविएशन को हम पॉजिटिव मानते हैं, मीन डेविएशन में हम साइन को कंसिडर नहीं करेंगे. सो द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ डेविएशन इज इग्नोर्ड वाइल कैलकुलेटिंग डेविएशन फ्रॉम सिलेक्टेड एवरेज अज्यूमिंग ऑल डेविएशन आर पॉजिटिव. सो मीन डेविएशन के जो आंसर्स आएंगे वो हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. अब हम मीन डेविएशन की बात करेंगे तो हम तीनों सीरीज को कंसीडर करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज भी, डिस्क्रीट सीरीज भी, कंटिन्यूअस सीरीज भी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द इंडिविजुअल सीरीज. सो इंडिविजुअल सीरीज में आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालनी है एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालनी है. सबसे पहले इसको लिखना कैसे है, तो जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन के लिए आप नीचे ऐसे एक्स बार ड्रॉ करोगे एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम एम ई लिखोगे नीचे. सो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? अब हम ये वाले नॉट वाला साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें जो डेविएशन चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव चाहिए. सो इसको हम इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाई एन. दोनों केसेस पे हम ये सिंपल ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ नोट डेविएशन डिवाइडेड बाई एन. तो जो मीन वाली है उसमें हम डेविएशन देखेंगे फ्रॉम मीन एंड जो मीडियन वाला है उसमें हम डेविएशन देखेंगे फ्रॉम मीडियन. सो आप इसको फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की बात कर रहे हैं, दैट इज समेशन नॉट एक्स माइनस मीन डिवाइड बाय एन. एंड अगर हम मीडियन की बात कर रहे हैं, समेशन एक्स माइनस मीडियन बाय एन. सो ये हमारा सिंपल इंडिविजुअल सीरीज का हो गया. सो अभी हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको ये इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, आपको ये वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन है. तो सबसे पहले हम मीन से कैलकुलेट करेंगे. किससे कैलकुलेट करेंगे? मीन से. अब आपको पता है कि आपको फाइव टर्म्स गिवन है, इनका टोटल हुआ 125 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो जो आपका मीन आएगा दैट इज 25. तो आपको पता लग गया कि जो आपका मीन आ रहा है, देखो अगर आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या मीडियन निकालते हो तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अगर आप फ्रॉम मीन निकाल रहे हो तो पहले आपको मीन कैलकुलेट करना है एंड अगर आप फ्रॉम मीडियन निकाल रहे हो तो सबसे पहले आपको मीडियन कैलकुलेट करना है. इतना क्लियर हुआ? तो अभी हम सबसे पहले फ्रॉम मीन कैलकुलेट करते हैं. तो आपका मीन आ गया 25. क्लियर हो गया? अब आपको पता है कि फॉर्मूला में आपको एक्स माइनस एक्स बार
का नॉट चाहिए, मतलब आपको मीन से डेविएशन देखना है और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू में. सो 10 माइनस 25 15, 18 माइनस 25 7, आपको साइंस को इग्नोर करना है. 25 माइनस 21 माइनस 25 4, तो आपने इनका समेशन लिया दैट इज 52. तो जब आप 52 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले आपने मीन कैलकुलेट किया 25, देन आपने डेविएशंस देखी, डेविएशंस का सम लिया 52 आया, 52 को 5 के साथ डिवाइड किया तो आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आता है 10.4. अब ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे नहीं, हम इजीली खुद सॉल्व करके देखते हैं. नेक्स्ट, अभी हमें इसको मीडियन से कैलकुलेट करना है, राइट? तो मैं आपको मीडियन से कैलकुलेट करना बताती हूँ विद दिस पेन. तो मीडियन आपको पता लगे 21 आ गया, क्योंकि इसमें सिंपली मिडिल टर्म हो जाती है. सो आप इसमें कॉलम बना लोगे एक्स माइनस मीडियन, मीडियन आपको 21 आया. तो 21 को 10 में से सब्ट्रैक्ट किया 11, 21 को 18 में से सब्ट्रैक्ट किया 3, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे कितना आएगा 11, और यहाँ पे कितना आएगा 23, राइट? तो आप इसको टोटल कर लोगे 11, 3, 0, 11 एंड 23. यही मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था. तो आपने सबसे पहले इसमें मीडियन निकाला, तो मीडियन हमारा n बाई 1 अपॉन 2th टर्म, दैट इज 3rd टर्म आई, तो मीडियन हमारा 21 आ गया. सो आपने डेविएशंस कैलकुलेट कर ली ऐसे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया. सो डेविएशन का समेशन आया 48. सो 48 को जब आप 5 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9.6. और एक पॉइंट आपको शायद याद आ रहा होगा, मैंने आपको ऊपर ही बताया था एक पॉइंट, दैट द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ डेविएशंस फॉर मीन फ्रॉम मीन. सो द फॉर्मर इज कंसीडर्ड बेटर देन द लेटर. सो फॉर्मर को ज्यादा बेटर माना जाता है. सो मीडियन का डेविएशन हमेशा कम होएगा मीन के डेविएशन से. तो ये आपको हमेशा याद रखना है अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए, ठीक है? अब आई होप सबको इंडिविजुअल सीरीज क्लियर होगी होगी. अब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं. तो अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन करते हैं, एक स्टेप एडिशनल हो जाता है, दैट इज हमें फ्रीक्वेंसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है. सो डिस्क्रीट सीरीज में भी हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकालेंगे एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकालेंगे. सो इसमें हमारा फॉर्मूला है, जैसे हमने पहले निकाला था समेशन, हम यहाँ पे बार्स में लेते थे डी को एंड बाय एन लेते थे, बस इसमें हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे समेशन के टोटल को. सो फॉर एग्जांपल आपको ये वाला क्वेश्चन गिवन है, ये आपको डाटा सेट गिवन है, ठीक है? ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं और ये आपकी एक्स की वैल्यूज हैं, ये आपकी एक्स है, ये आपकी एफ है. सो आप इसका एफ एक्स निकालोगे, मतलब एफ इंटू एक्स सबसे पहले कैलकुलेट करोगे. सो जब आप सबसे पहले एफ इंटू एक्स करोगे 25 आएगा, 6 इंटू 11 करोगे 66 आएगा. सो एफ एक्स का टोटल 308 आ गया और समेशन एफ कितना आ गया 45 आ गया. सो जब आप 308 को 45 के साथ डिवाइड करोगे, मतलब समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू आ जाएगी. सो इसमें आपकी जो मीन वैल्यू आएगी दैट इज 0.6, 6.85. क्लियर हो गया? अब आपको इसको जो ये वाला आपका एक्स है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. सो आप डेविएशंस निकालते चलोगे, 5 माइनस 6.85 1.85, 6 माइनस 6.85 0.85, 7 माइनस 6.85 0.15 एंड 8 माइनस 6.85 1.15. तो आपका ये समेशन डी आ गया ना. अब आपको ये जो समेशन डी है हर एक इंडिविजुअल को एफ से मल्टीप्लाई करना है. इसको एफ से मल्टीप्लाई किया 9.25 आया, 0.85 को 11 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन करते चलोगे. तो अब आपका ये आ गया समेशन एफ इंटू बार्स में डेविएशन. तो अब इसको आपको एन, मतलब दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, उससे आपको डिवाइड करना है. तो जो आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आएगा दैट इज 0.82. आई होप सबको स्टेप्स क्लियर होंगे होंगे. सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना है. मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें एफ इंटू एक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. एफ इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद एफ एक्स आ गया, एफ एक्स को एफ समेशन एफ के साथ डिवाइड करना है, तो हमारा मीन आ गया 6.85. 6.85 को एक्स बाय एक्स मोड करना है हमें. जब हम ये करेंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा. डी आने के बाद डी हम पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि हमने साइड पे लाइन्स ड्रॉ किए, क्योंकि हमें वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए. देन ईच वैल्यू को हम एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन उन सबका हम समेशन ले लेंगे एंड एन के साथ डिवाइड कर देंगे. अब आप वीडियो को पॉज करके मीडियन खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. अभी आपका एक्स गिवन है, ये आपका एफ गिवन है. अब आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है. आपको पता है कि जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं हमें सी एफ रिक्वायर्ड होता है. सो इस केस में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. 5 आ गई, 5 प्लस 11 16, 16 प्लस 15 31, 31 प्लस 14 45. तो आपकी सी एफ आ गई 45. तो 45 प्लस 1 डिवाइड बाय मीन निकालना तो 2. तो 46 डिवाइड बाय 2 23 आया. तो हम जो मीडियन क्लास लेंगे, मीडियन हमारा आ गया 7. मीडियन हमारा कितना आ गया 7. इतना क्लियर हुआ सबको? मीडियन जब हमारा 7 आ गया,
अब मीडियन से हम डेविएशंस निकालेंगे, तो 5 माइनस 7 2, 6 माइनस 7 1, 7 माइनस 7 0 एंड 8 माइनस 7 1, हम ये सारा पॉजिटिव ले रहे हैं। अब इसको ईच को फ्रीक्वेंसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 10, 11 इंटू 1 11, 15 इंटू 0 0 14 इंटू 1 14, सो ये हमारा आया 35, 35 को जब हम 45 के साथ डिवाइड करेंगे सो हमारा आंसर आएगा 0.78। सो आई होप सबको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी क्लियर हुआ होगा एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी क्लियर हुआ होगा। अब हमने डिस्क्रीट सीरीज की भी बात कर ली, इंडिविजुअल सीरीज की भी बात कर ली, लास्टली हम बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की। ये अब हम कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सो कंटिन्यूअस सीरीज में बस आपने क्या लेने होते हैं, मिड पॉइंट्स, सारी चीजें सेम वैसे ही हमने कैलकुलेट करनी है जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट कर रहे थे। इसमें एक एडिशनल स्टेप हो जाता है कि आपको क्लास इंटरवल्स जब गिवन होंगे यू विल टेक द मिड पॉइंट्स। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो आपको क्वेश्चन क्या गिवन होगा, क्वेश्चन आपको गिवन होगा जो मैं ये मार्क कर रही हूँ, ये आपका क्वेश्चन गिवन होगा। अब आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना। सो सबसे पहले आप इनके मिड पॉइंट्स निकालोगे, 2, 6, 8, 10 और 14, ये आ गए आपके मिड पॉइंट्स, तो ये आपने खुद कैलकुलेट कर लिया। अब आप इनकी मीन निकालोगे, 2 इंटू 2, 4, ऐसे आपने FM का टोटल निकाला, 132 को जब आप 14 के साथ डिवाइड करोगे आपका मीन आ गया, मीन कितना आएगा 9.42। सबसे पहले सब मीन कैलकुलेट करो वीडियो को पॉज करके, मीन कैलकुलेट हो गया। अब फ्रीक्वेंसी से हमें एक्स से हमें मतलब मिड पॉइंट है जो हमें उसमें से हमें मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, सो 2 माइनस 9.42, 7.42, 6 माइनस 9.42, ऐसे हमने सब कैलकुलेट कर लिया और ये हमारा सारा पॉजिटिव आ गया। अब इसको हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ हमारी एरी वैल्यूज, सो 7.42 इंटू 2, तो हमने ऐसे समेशन एफ डी निकाल दिया, तो हमारा जो टोटल आया 550.32, इसको हम 14 के साथ डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया हमारा जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आया दैट इज 3.59। क्लियर हो गया सबको। अब अभी यही सेम क्वेश्चन है, आपको मीडियन निकालना है, तो पहले आप मीडियन निकाल लो इस क्वेश्चन में। तो आपको ये क्वेश्चन गिवन था, आपने इसकी सी एफ निकालनी है, 2 प्लस 2 0, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, तो आपने इसकी सी एफ निकाल ली। सी एफ अभी आपको इसका वो निकालना है, मीडियन निकालना है। सो इसमें आपको मैंने बताया था आप एन प्लस 1 नहीं करते, आप डायरेक्टली एन बाई 2 करते हो, n by 2 करोगे तो आपका 7 आया, तो ऐसी कौन सी CF है जो आपकी 7 से बड़ी है, तो आपकी जो मीडियन क्लास हो जाएगी वो आपकी होगी ये वाली क्लास, राइट। अब आप इसमें फॉर्मूला पुट अप करोगे, L plus n by 2 minus CF of preceding class upon F into I, तो इसका इसमें आपका L क्या होगा, L क्या होगा 8, n by 2 क्या होगा 7, 7 minus 5 upon 4 into 4। तो जब आपने ये फॉर्मूला पुटअप करा, इसमें ये फॉर्मूला यहाँ पे आपने पुटअप करा, तो आपका मीडियन कितना आ गया, 10 आ गया। मीडियन जब 10 आ गया तो अब आप इसके मिड पॉइंट्स अब लोगे, क्योंकि आपको मीडियन निकालने के लिए मिड पॉइंट्स रिक्वायर्ड नहीं थे, बट अब आपको मिड पॉइंट्स रिक्वायर होंगे। सो मिड पॉइंट्स आपके पास आ गए 10, अभी जो आपने 10 मीडियन निकाला है वो इनमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 माइनस 10 8, 6 माइनस 10 4, तो पॉजिटिव लोगे सारा और इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके चलोगे, इसका जो समेशन आया 48, इसको आप 14 के साथ डिवाइड करोगे जिससे आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा, तो आपका आ गया 3.42। इसमें देखना आप ये सेम क्वेश्चन है, मीडियन का आया 3.42 एंड मीन आया 3.59, तो हमेशा आपका जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है वो कम होगा एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो मीन है वो ज्यादा होगा। तो आई होप सबको मीन डेविएशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, बस हमारा एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग है दैट इज कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन। अब कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो मीन डेविएशन सिंपली हम निकालते हैं वो हमारा एब्सोल्यूट मेजर है, बट जो कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन है दैट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो ये हमें रिलेटिवली चीजें बताने में हेल्प करता है। सो आपको ये कैसे निकालना है, तो अगर आपको कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए आ जाता है, सो जो आपका मीन डेविएशन आया है, सिंपल मीन डेविएशन आपने पिछले स्टेप्स में कैलकुलेट किया है, उसको आपको बस मीन के साथ डिवाइड कर देना है वो आपका आ जाएगा मीन कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म इनटू रिलेटिव मेजर जो कि मैंने आपको बताया, इट इज डिवाइडेड बाई द एवरेज फ्रॉम विच इट हैज बिन कैलकुलेटेड। सो अगर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है तो आपको मीन के साथ डिवाइड करना है, एंड इनके साथ आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो आपको मीडियन के साथ डिवाइड करना है। सो फॉर एग्जाम्पल आपका मीन है 40 एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है 12.57, तो अब बस 12.57 को सिंपली 40 के साथ डिवाइड कर दोगे, सो कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आपका आ जाएगा
0.31। सो आपको सिंपली इसको बस मीन के साथ डिवाइड कर देना। आप एक्स्ट्रा जो आपका अगर आपसे पूछा हुआ कि ऑल्सो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो आप इजिली कैलकुलेट कर पाओगे। सो आई होप सबको इस वीडियो में मीन डेविएशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में वी विल बी डूइंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।